आज मैं कुंदन कुमार आपको BECB बोर्ड की जो जॉन डन के द्वारा रचित 12th क्लास की स्वीटेस्ट लव आई जॉन्ट क्योर जो पोएम है आज मैं उनकी चर्चा करूंगा। और इसमें स्पेशली खास करके हम जॉन डन के बारे में बताएंगे और इसमें वर्ड्स के बारे में कुछ डिटेल्स करेंगे, उसे आप गौर से देखें। इनका जन्म की जो मैं बातें करूँ तो जन्म इनका कब हुआ था तो 22 जनवरी 1572। रोमन कैथोलिक थे ये और इनकी डेथ 31 मार्च 1631 को ब्यूरीड ओल्ड सेंट पॉल्स कैथेड्रल में इनको दफना दिया गया था। जॉन डन वॉज ए मेटाफिजिकल पोएट। जॉन डन कैसे पोएट थे? एक मेटाफिजिकल पोएट थे। और मेटाफिजिकल का मतलब होता है, मेटा मतलब होता है बियर्ड, फिजिकल मतलब होता है रिलेटेड टू दी बॉडी। एक ऐसे पोएट थे जिन्होंने ये हमेशा एक नॉर्मल जो कि जनरली इंसान जो फिजिकल के बारे में सोचता है उससे ऊपर सोचते थे और उसी के बारे में लिख डालते थे। मेटाफिजिकल पोएट्री की स्टार्ट कब से हुई थी? तो 17th सेंचुरी से इसका स्टार्टिंग पोजिशन था। डन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सटायर एंड द एलिजीज एंड सरमॉन्स। डन खास करके किसके लिए जाने जाते हैं? तो अपने सॉन्ग्स एंड सोनेट, उनकी एक रचना है। सटायर अपनी प्रहसन के लिए, एंड द एलिजीज एंड सरमॉन्स, सटायर जिसको व्यंग भी कह सकते हैं, एलिजीज जिसमें जनरली दुखांत घटना की चित्रण किया जाता है, सरमंस मतलब प्रवचन, जो प्रवचन के लिए भी इसका इस्तेमाल करते थे वो। खास करके स्वीटेस्ट लव आई जॉन्ट क्यो का जो थीम है, थीम के बारे में जानते हैं जो उनमें आखिर पोइट क्या कहना चाहते हैं। तो स्वीटेस्ट लव आई जॉन्ट क्यो वॉज रिटन बाई जॉन डन फॉर हिज वाइफ एनी मोर, और इनकी पत्नी का नाम क्या था? एनी मोर। और उसी के लिए उन्होंने ये पोएम को लिखा था। इन द पोएम डन डन इज प्रिपेयरिंग टू गो ऑन अ जर्नी बट हिज वाइफ इज अफ्रेड ऑफ वट विल हैपन टू हिम ऑन द जर्नी एंड डज नॉट वॉन्ट हिम टू गो। ये जो जिस समय इन्होंने पोएम में लिखा है कि डन इस समय कहीं यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनकी पत्नी को यह डर है कि पता नहीं उनके जाने के बाद उनके जर्नी में यात्रा में क्या होगा और इसलिए वो चाहती है क्या कि वो वहाँ से नहीं जाएँ। जॉन डन कन्विंसेस हर दैट ही विल बी ऑल राइट, कि वो उनसे समझाते हैं जॉन डन कि कुछ नहीं होगा, वो सब कुछ ठीक ही होगा उनके लिए। आफ्टर हिज डेथ, क्योंकि मरने के बाद भी कुछ अगर होगा तो सब कुछ सही ही होगा। और लॉर्ड हर्बर्ट ने, उन्होंने एक एलिजी पोएम भी लिखे हैं खास करके डॉक्टर डन के लिए। और ट्रू लव नेवर डाइस, जब उन्होंने अपने डेथ के बाद उन्होंने भी बताया भी था कि ट्रू लव नेवर डाइस, ट्रू जब जो जो सच्चा प्यार होता है कभी मरता नहीं है। उसकी बात की बातें करूँ कि फादर का नाम क्या था? जॉन डन। उनके पापा का भी नाम जॉन डन ही था। हिज फादर वॉज डैड एट द एज ऑफ 4। कहा भी जाता है कि खास करके स्वामी विवेकानंद अक्सर कहा भी करते थे कि जानते हो कि जितने जीवन में आपके संघर्ष ज़्यादा होंगे उतनी ही कामयाबियाँ उतनी ही ऊंचाई छुएगी। शिव वाली कहानी इसमें आप देखते भी हैं कि इनके पापा का डेथ कब हुआ गया, जिस समय वो मात्र 4 साल के थे। इनके माँ का नाम एलिजाबेथ हेवुड इज़ द डॉटर ऑफ जॉन हेवुड। उनकी माता का नाम एलिजाबेथ हेवुड था जो कि वो डॉटर जॉन हेवुड के बेटी थे वो। इनको ओथ ऑफ सुप्रीमेसी न लेने की वजह से इन्हें वहाँ किसी भी यूनिवर्सिटी से इन्हें डिग्री नहीं मिल पाई और डिग्री न मिलने की वजह से ये वंचित रह गए। लेकिन कहा भी जाता है जिसके पास क्वालिटी है उसके डिग्री कुछ मैटर नहीं करता। सेम इनके साथ भी सेम हुआ। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ओथ ऑफ सुप्रीमेसी न लेने की वजह से इन्हें डिग्री नहीं मिली क्योंकि ग्रेजुएशन करने के लिए डिग्री वहाँ से लेने पड़ते थे। ट्रैवलिंग एंड लिटरेचर में इन्होंने ज़्यादा समय बिताया क्योंकि वो स्वाभाविक सी बात है क्योंकि ये तो पोएट ही थे। एनी मोर के साथ इन्होंने शादी करी 1601 में क्योंकि उनकी पत्नी थी। जॉर्ज मोर फादर ऑफ एनी मोर, एनी मोर के पिता का नाम था जॉर्ज मोर। बाद में इन्होंने इसी कारण जो चुरा छिपा के शादी कर लिए थे एनी मोर के साथ, इसी कारण इन्हें फ्लीट प्रिजन में पनिशमेंट के रूप में रखा भी गया। सैमुअल ब्रूक जो उनके दोस्त थे जिन्होंने इनकी शादी करने में इनकी मदद की थी, तब तक जब जिस समय जब तक वो जेल में गए तब तक उनकी जॉब भी छूट गई थी। उस समय अपने वाइफ को जॉन डन, अनडन, अन्य डन इस प्रकार रूप में कहा भी करते थे।
और इनकी पत्नी का डेथ, बोले तो अन्य मोर का डेथ उस समय हुआ जब वो अपने एक बच्चे को जन्म दे रही थी। उस समय इनको इनका डेथ हो गया और 12 बच्चे को जन्म उन्होंने 16 ईयर्स में दिया था। और फिर उसके बाद जब इनकी डेथ हो गई, इनकी पत्नी अर्थात अन्य मोर की, फिर दोबारा उसने फिर शादी नहीं किए। कौन? तो जॉर्डन। और कंसीट भी कितने प्रकार के होते हैं? तो कंसीट 2 प्रकार के होते हैं, जो कि इसकी चर्चा आप जब हाई लेवल की पढ़ाई कीजिएगा उस समय तब पता चलेगा। कंसीट 2 प्रकार के होते हैं, एक पेट्रार्कन और एक मेटाफिजिकल कंसीट, जिसमें पेट्रार्कन में लव और रूल की चर्चा की जाती है, और मेटाफिजिकल कंसीट में खास करके जॉर्डन इसके मास्टर थे, जिसमें अलग अलग से कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, यही मेटाफिजिकल कंसीट है। दूसरे की जब बातें करूँ कि इसमें जब आप स्वीटेस्ला बाई जॉन्ट को पढ़ेंगे तो इसमें अलग अलग वर्ड्स आपको देखने का मौका मिलेगा। जनरली ये सारे वर्ड्स अलग अलग फॉर्म में लिखे गए हैं, इसी मैं उस वर्ड की चर्चा ज़रा कर दूँ कि ताकि आपको कहीं पढ़ने में फिर आपको दिक्कत ना हो। मैं इसके लिए नेक्स्ट पेज पर चलता हूँ। जब इस पोएम को पढ़ेंगे तो हमें इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स आपको देखने का मौका मिलेगा, जैसे दाऊ है, दी है, दाई है, दाइन है, ऑल आर प्रोनाउंस। ये सारे के सारे वर्ड्स प्रोनाउंस हैं और जिसे हम आर्काइक वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें दाऊ, जिसको यू, जो कि नॉमिनेटिव केस के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड्स, दी जो कि यू है, जो कि आज अब जो ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल करते हैं आप, दाई जो कि योर, जो पोसेसिव केस, पोसेसिव एडजेक्टिव के फॉर्म में इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड्स हैं, दाइन योर्स, जो कि आज पोसेसिव केस के पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल करते हैं आप, ये जो कि ये क्या है तो ऑब्जेक्टिव केस है, जो कि प्लुरल ऑफ यू है, आर्ट जो कि आर, आज के समय में जो आर्ट लिखा जाता है वो उस समय का ओल्ड इंग्लिश के फॉर्म में आर्ट हुआ करता था, तो सेकेंड पर्सन सिंगुलर फॉर्म के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड्स थे। हैस्ट जो अभी का हैव है, जो सेकेंड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल आप करते हैं। डस्ट DOST जो कि आज का डू है, जो सेकेंड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड्स हैं। शैल्ट SHLT शैल्ट, जो कि आज का अभी सेकेंड पर्सन फॉर्म सिंगुलर फॉर्म के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड, जिसको सेल आज आप इस्तेमाल करते हैं। विल है, जो सेकेंड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या प्लुरल फॉर्म में इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्म्स के लिए हम इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये विल्ट उस समय का WILT विल्ट, जो कि आज का विल है। HATH हैथ जो कि अभी का हैज़, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड्स। और DOTH डेथ, जो कि इसमें आज का वो डज है। इसमें आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार का वर्ड्स आपको इसमें देखने का मौका मिलेगा जब आप अगर स्वीटेस्ट लव आई डोंट हो की स्टडी करेंगे। और इसी वीडियो, इसी बातों के साथ अभी का ये वीडियो समाप्त हुआ। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें। अब इसी के जस्ट बाद वाले पोर्शन में, वीडियो में, मैं स्वीटेस्ट लव आई डोंट हो, जो कि BSEB की बुक है, उसी के टेक्स्ट टू टेक्स्ट की मैं चर्चा करूंगा। थैंक्स अ लॉट।